बिशरा बीबी जो हैं, क्या वो एक मैग्नेटिक फोर्स हैं पार्टी के अंदर? तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि असद कैसर ने अभी तक मुलाकात नहीं की। ये जो पंजाब से हैं वकास अकरम, इन्होंने मुलाकात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात नहीं की जाके बुशरा बीबी से। और मतलब ये कि जो लोग तवक्को कर रहे थे कि बुशरा बीबी जैसे बाहर आएंगी तो पूरी पार्टी उनके कदमों में होगी, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। अब पार्टी जो है वो अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब और बुशरा बीबी चलाएंगे। तो ये तो दूसरा फैक्शन मैंने आपको बता दिया जो पावरफुल है, वो असद कैसर है, बस गौहर भी है। नाजरीन, कल भी आपको बताया था, आज फिर वहीं से शुरू करते हैं कि पार्टी यानी कि पीटीआई बुशरा बीबी के बाद कैसी होगी और क्या चल रहा है, और इस पर भी बात करेंगे कि ये जो 5 जजेस हैं आज जस्टिस फायज ईसा के रेफरेंस में, फुल कोर्ट रेफरेंस में क्यों नहीं आए, तो इसके पीछे असल सोच क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टी की। देखें, बुशरा बीबी रिहाई के फौरी बाद पेशावर चली गई और अली अमीन गंडापुर के सीएम हाउस में बैठ गई, और मिशाल यूसुफ जई भी वहाँ पे हैं, वो उनकी ख़ास बंदी है। कुछ लोग तो उसको नई फरा गोगी का नाम दे रहे हैं, लेकिन खैर किसी पे इल्ज़ाम लगाना बुरी बात है। फरा गोगी पे तो एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज़ फरा गोगी होना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर कोई कुछ ना करे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं। अब आगे बात आगे कि बुशरा बीबी जो हैं, क्या वो एक मैग्नेटिक फोर्स हैं पार्टी के अंदर? तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि असद कैसर ने अभी तक मुलाकात नहीं की, और ये जो पंजाब से हैं वकास अकरम, इन्होंने मुलाकात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात नहीं की जाके बुशरा बीबी से। और मतलब ये कि जो लोग तवक्को कर रहे थे कि बुशरा बीबी जैसे बाहर आएंगी तो पूरी पार्टी उनके कदमों में होगी, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। अब इनका मौक़िफ़ जो हमें पता चला वो ये है कि जी, हम सियासी लोग हैं और वो उनके अहलिया हैं, काबिल एहतराम हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो इमरान ख़ान के साथ है। तो हम तो इमरान ख़ान की सियासत के साथ हैं, हम किसी की अहलिया के साथ नहीं। और अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के हवाले से भी आपको पता है कि जिस तरह का उनका उन पर इल्ज़ाम रहे हैं माजी में, तो इसलिए कोई भी उनके साथ अभी जो सेन पॉलिटिकल एलिमेंट है वो अपने आप को अटैच नहीं करना चाहता। हाँ, उमर अयूब ने उनका मेज़बान है और अली अमीन गंडापुर उनका मेज़बान है। अब पार्टी जो है वो अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब और बुशरा बीबी चलाएंगे। तो ये तो दूसरा फैक्शन मैंने आपको बता दिया जो पावरफुल है, वो असद कैसर है, बस गौहर भी है। जो सलमान अकरम राजा हैं वो इसलिए मिले हैं कि वो केसेस उनके पास हैं बुशरा बीबी के। तो खैर, ये तो दो तो वकील हैं, लेकिन एक बंदा इनमें जो ज़्यादा पॉलिटिकल बंदा है वकास अकरम, दूसरा बंदा है। तो दोनों बड़े पॉलिटिकल बंदे जो पार्टी में इस वक्त एक्टिव हैं, वो तो दोनों जो हैं वो नहीं मिले, मिल लेंगे, लेकिन ये एक जेस्चर होता है जो उन्होंने दे दिया है। तो अब पार्टी, तो मैंने कल भी आपको कहा था कि पार्टी को तो तकसीम करने का पूरा मनसूबा बन चुका है। और ये कि अब जो करने वाले हैं, फैसले करने वाले हैं, उन्हें इस पार्टी से ख़तरा भी कोई नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ, वो ये है और उसकी दलील भी है कि यास्मीन राशिद के साथ मामलात इतलात हैं कि तय पा गई और वो भी जल्द बाहर आ जाएंगी। वरना आपको पता है, मुझे भी पता है कि यास्मीन राशिद जो हैं वो किस तरह से, कितनी कमिटेड और कितनी वो जयाली हैं इमरान खान की, और उन्होंने कितनी तकलीफ़ काटी है। मतलब वो प्रोफेसर डॉक्टर और उन्होंने कितनी जेल काटी,
लेकिन एक पॉइंट आता है हर एक में, और वो पॉइंट क्यों आता है उसकी भी एक वजह होती है। मतलब वैसे तो इंसान है, इंसान किसी वक्त भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन जब आपकी पार्टी के जो इकदाम हों वो फेलियर पे फेलियर चल रहा हो और मुस्तकबिल में कुछ ऐसा नज़र ना आ रहा हो, तो जो बंदा जेल में बैठा हुआ है, जो एक अरसे से जेल काट रही हो खातून और इतनी बीमारियों के साथ, तो वो क्या सोचेगा? तो बिल आखिर वो सोचने पे मजबूर हुई हैं और अब उनको रिहा किया जा रहा है और वो बाहर आएंगी, वो पार्टी भी चलाएंगी, लेकिन जाहिर है कि वो जिस तरह वो पार्टी चलाएंगी उस तरह से आगे उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्स तो आना है बुशा बीबी और अली अमीन गड्डापुर और इन लोगों की तरफ से। कारकुन तो हमेशा मुखलस लोगों को देखता है, लेकिन अब उसमें क्या फ़ैसला वो करेंगे? जिस तरह का इमेज बना के और जिस तरह का एतमाद जो है वो इमरान खान का अपनी अहलिया के लिए है, तो वो किसी यास्मीन राशिद के लिए तो नहीं है। तो बहुत बुरी होने जा रहा है ये, और बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल इसलिए है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्रेक नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो जमहूरियत की स्ट्रेंथ होती हैं, वो स्ट्रेंथन करती हैं, और अगर उसमें कमी आए, वो कमज़ोर पड़ जाएं, तो जमहूरियत कमज़ोर पड़ती है। ये है असल में जमहूरियत के कमज़ोर होने की निशानी। तो ये कल मैंने आपको बताया था कि दूसरी तरफ शामूद कुरैशी को लाया जा रहा है, पावर ब्लॉक का सरबराह, वो भी थोड़ा इन अ सटल वे उनको लॉन्च किया जाएगा धीरे धीरे, ताकि कम से कम उन पर तनकीद आए। लेकिन सबको अब पता चलता जा रहा है, वो और बात है कि वो बनेंगे और उनके साथ फिर लोग भी आ जाएंगे। तो इसकी ज़रूरत तो उन्हें पार्लियामेंट में है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो मैसेज में जो पार्टी है उसकी जो हालत है होने जा रही है, वो अब आपको मेरी इन बातों के बाद अगर आप इन पर गौर करें तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी कि क्या होने जा रहा है। और पार्टी दिन ब दिन अपना जो उनका जो इस पार्टी की असल ताकत थी उसको लूज़ कर रही है। और दूसरी बात के उषा बीबी पेशावर में क्यों जाकर बैठी हैं, वो इसलिए भी कि वहाँ से इंटरनेशनल रबते बहुत आसान हैं। ये हकीकत है कि इंटरनेशनल रबता जो सबसे बड़ा रबता है, यहाँ से अक्सर खतूत भी आते हैं और रिहाई के मुतालबे भी आते हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा राब मतलब उनके लिए आसान है वो है केपी, कैपर खैबर पख्तूनख्वा, और फोकस भी उनका खैबर पख्तूनख्वा है, साथ अफगानिस्तान लगता है। तो अमेरिका को के असल इंटरेस्ट तो अफगानिस्तान में, तो केपी बहुत उनके लिए अहम है, तो केपी में उनकी प्रेजेंस हमेशा होती है और केपी को वो बहुत अहमियत देते हैं। तो केपी में वो बैठ के इसलिए भी वो गई हैं ताकि रबते जो हैं वो आसानी से हो सकें। तो अब आते हैं कि जस्टिस फायज ईसा जो चीफ जस्टिस थे, आज वो फारग हो गए, चले गए, आज उनकी मुलाजमत का आखिरी दिन था। तो उसमें उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आए, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आए, जस्टिस आयशा नहीं आई और जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं आए। मैंने आपको बहुत पहले एक वीलॉग में बताया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं इनको सलाम भी नहीं करते थे। सलाम करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप किसी को झुकते हैं किसी के सामने, कोलीग्स के तौर पे भी इनको सलाम नहीं करते थे, और इनके बुलाए हुए अक्सर मीटिंग्स में वो नहीं होते थे, बहुत ज़रूरी कहीं हुआ तो वो चले गए, और वो भी इन दोनों में से एक को ही जाता था। और जस्टिस अतर मिनल्ला के ख्याल जो हैं वो उनके दौरा अमेरिका से बहुत कुछ वाजे हो चुका है, तो वहाँ पे जो बोल के आए थे। और बाकी रह गए जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके बारे में कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, अगर वो सच्ची हैं तो फिर उनका ये जो आज का ख़त है वो क्या हैसियत रखता है, उसका क्या वज़न रह गया है? देखें, आपने ये ख़त लिखना ही था तो फिर आप वहाँ मौजूद भी होते,
پاکستان میں موجود ہوتے تو پھر آپ یہ خط لکھتے تو شاید کوئی یہ کہہ لیتا کہ ہاں آپ خود عمرے پہ چلے گئے صرف اس لیے کہ مجھے ان کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ایک تحریر چھوڑ گئے. اور اگر وہ خبریں صحیح ہیں تو پھر اس پہ کوئی کیا اخذ کرے کہ آپ کا کیا تعلق اور ٹلٹ واقعی کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہو چکا تھا. اور اگر کسی جج کا تعلق کسی پولیٹیکل جماعت سے ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو اس پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے ہی جانا جائے, پھر وہ غیر جانبدار جج کہلانے پہ مصر نہ ہو اور نہ کوئی ان کو غیر جانبدار جج کہنے پہ اصرار کرے. تو یہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ نہیں آئے, جسٹس فائز سے چلے گئے, اب تاریخ کا حصہ ہیں, بطور جج تاریخ فیصلہ کرے گی ود دا پیسج آف ٹائم کہ وہ اچھے تھے یا جسٹس ثاقب نثار اچھے تھے یا جسٹس بندیال اچھے تھے یا جسٹس گلزار اچھے تھے. تاریخ نے تو ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو پرکھنا, ایک بلے پہ جو فیصلہ آیا اس کو لے کے تو ہر چیز اور ہر اچھائی ان کی جو ہے وہ ختم کی جائے, اس کو بولڈوز کیا جائے, یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. بندے پہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ ایک ججمنٹ دی ہے, کسی جج کی ججمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے, وہ اس پہ قائم رہے. ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو میرے سامنے پریئر آئی تھی میں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا, میں نے اس پارٹی کو بین نہیں کیا. لیکن اس کو لے کے لکیر پیٹنے والوں نے ان کو متنازع ترین جج بنانے کی کوشش کی, تو خیر تاریخ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اور باقیوں کے بارے میں بھی تاریخ جو ہے وہ اپنا فیصلہ پہلے بھی دیا ہے تاریخ نے اور آئندہ بھی دے گی. تو اس کے ساتھ ہی اجازت, کل انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا